जिस कन्हैया लाल ने नारे लगाए थे कि भारत तेरे टुकड़े हो, अफजल तेरे कातिल जिंदा हैं, हम शर्मिंदा हैं। दे दो भाई, सर फट चुका पूरा। दोनों भाइयों ने चांटे का जवाब दिया है। कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार उत्तर पूर्वी दिल्ली लोकसभा सीट से इंडी गठबंधन के प्रत्याशी हैं और वो चुनाव लड़ रहे हैं। शुक्रवार 17 मई को चुनाव प्रचार कर रहे कन्हैया कुमार को एक युवक ने माला पहनाने के बहाने थप्पड़ मार दिया। यही नहीं, हमलावरों ने कन्हैया पर स्याही भी फेंकी। इस पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर वायरल हो रहा है। हालांकि कन्हैया के समर्थकों ने मौके पर ही हमलावर को पकड़कर इतना पीटा कि उसका सिर फूट गया। लेकिन मामला यही नहीं रुका। कन्हैया को थप्पड़ मारने के बाद अब हमलावरों ने एक वीडियो जारी कर अपनी इस हरकत को सफलता बताते हुए कहा है कि हमने कन्हैया को सबक सिखा दिया है। अब सवाल ये उठता है कि कन्हैया पर हमला करने वाला ये युवक है कौन। हमने थोड़ी जांच पड़ताल की तो पता चला कि हमलावर का नाम है दक्ष चौधरी। दरअसल 17 मई को कन्हैया आम आदमी पार्टी के पार्षद के ऑफिस से बाहर निकल रहे थे। ऑफिस के बाहर कन्हैया के समर्थकों और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की काफी भीड़ थी। इसी भीड़ में हमलावर दक्ष चौधरी अपने दोस्त के साथ खड़ा हुआ था। वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि दक्ष चौधरी हाथ में माला लिए भीड़ में अंदर घुसकर पहले कन्हैया के गले में माला डालता है और तुरंत ही कन्हैया को थप्पड़ मार देता है। इतने में उसका दोस्त कन्हैया पर काली स्याही फेंक देता है। अचानक से हुए इस हमले से हर कोई चौंक गया। समर्थकों ने कन्हैया का बचाव करते हुए दक्ष और उसके साथी को पकड़कर पीटना शुरू कर दिया। अचानक से हुई इस घटना से वहां अफरा तफरी मच गई। कन्हैया कुमार पर हमला करने वाले मुख्य आरोपी दक्ष चौधरी पर पहले भी सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने के आरोप लग चुके हैं। कन्हैया कुमार पर हमला करने के बाद हमलावर दक्ष चौधरी ने अपने साथी के साथ एक वीडियो भी जारी किया जिसमें वो कह रहा है, जिस कन्हैया कुमार ने ये नारे लगाए थे कि भारत तेरे टुकड़े होंगे, अफजल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है, उसको हमने चाटे मार कर जवाब दिया है। और वहाँ बोल के मुंह पे साई फेंक कर मुंह पे चाटा देकर जवाब दिया है कि भारत के टुकड़े कोई नहीं कर सकता जब तक हमारे जैसे सनातनी शेर जिंदा है। जो उसके भक्त थे, जो सेवक थे, वो सर फाड़ दिया भाई। मेरा भाई देश को तोड़ने की बात करता है, इसे दिल्ली में भी नहीं घुसने देंगे। ये भारत के सैनिकों को देशद्रोह वो बताता है, रेपिस्ट बताता है, इसका इलाज कर दिया है। आप लोगों को न्यूज पहुंच जाएगी सभी को। कन्हैया कुमार पर हमले के बाद कांग्रेस की ओर से लगातार बीजेपी पर निशाना साधा जा रहा है। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि हमलावर का संबंध कुछ बीजेपी नेताओं से है और बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ उसकी फोटोज भी देखी जा सकती है। ऐसे में कांग्रेस का आरोप है कि ये हमला बीजेपी ने ही करवाया है। हालांकि कन्हैया को थप्पड़ मारने वाले दोनों आरोपियों ने, जिसमें दक्ष चौधरी भी एक शामिल है, उसने अपने इंस्टाग्राम पेज पर एक वीडियो पोस्ट करके किसी भी पार्टी से कोई भी संबंध ना होने की बात कही है। बल्कि उसका ये कहना है कि कन्हैया के कुछ पुराने बयानों की वजह से उसकी भावनाएं आहत हो गई थी और इस वजह से ही उसने थप्पड़ मार के कन्हैया से इसका बदला लिया। तो जो भी हमने करा है वो हमने ना तो किसी पार्टी के कहने से, ना वो हमने किसी संगठन के कहने से, वो सिर्फ हमने जो हमारी भावनाएं आहत हुई, हमारी क्या संपूर्ण भारत की, जिस व्यक्ति ने यह कहा कि भारत तेरे टुकड़े हो, जिस व्यक्ति ने जो हमारी देश की आन बान शान है हमारी इंडियन आर्मी, उसे रेपिस्ट कहा और उसने ये कहा कि अफजल तेरे कातिल जिंदा है, हम शर्मिंदा है। तो इसलिए जो हमारी भावनाएं थी वो बहुत समय से आती थी और जो हम मौका ढूंढ रहे थे वो हमें मिला और वो हमने करा। बता दें कि दिल्ली में कुल 7 लोकसभा सीटें हैं जहां छठे चरण में 25 मई को मतदान होना है। भाजपा ने लोकसभा चुनाव 2024 के मद्देनजर मनोज तिवारी को उत्तर पूर्वी दिल्ली लोकसभा सीट से अपना प्रत्याशी बनाया है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस ने इस सीट से कन्हैया कुमार को टिकट दिया है। कहा जा रहा है कि दोनों के बीच इस बार कांटे की टक्कर है। कन्हैया ने जेएनयू से अपनी राजनीति की शुरुआत की, वहीं मनोज तिवारी मशहूर अभिनेता और गायक हैं जिसके बाद उन्होंने राजनीति में एंट्री की। खैर, इस खबर में इतना ही। तमाम अपडेट जानने के लिए देखते रहिए बीपी लाइव। मेरा नाम है आयुष। धन्यवाद।